दोस्तों मिलिए केन्या के रहने वाले जॉन मागिरो से, जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दरअसल जॉन के गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ कबाड़, साइकिल के पुर्जे और कार के अल्टरनेटर और एक मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश किया। और फाइनली अपने गाँव के नदी के पास उन्होंने एक मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाया। इस प्लांट से उनके घर और समुदाय को रोशन करने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा होती है। उन्होंने मागिरो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड नाम का एक कंपनी खोला है, जो आज 750 स्थानीय लोगों को बिजली देता है। जॉन ने इस प्लांट को बनाने के लिए अपनी माँ से $60 और घर के गोट्स और रैबिट्स को बेचकर आने वाले पैसों से बनाया था, और पुराने साइकिल के पार्ट से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस कर पाए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।